हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग पीसीएस यूपी पीसीएस 2018 का प्रीलिम्स का पेपर, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर। ठीक है, आपको बता दें इसमें कि हम लोगों ने 2012 से लेकर 2017 तक पिछले लेक्चर में देख लिया, ये 2018 का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसमें सी ऑप्शन है बागोर। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर इस काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहर और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दूसरा हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें डी ऑप्शन है आलमगीरपुर और हुलास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए केंद्रों में से दो केंद्र आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में तथा कालीबंगा राजस्थान के गंगापुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर है मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। उल्लास है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो यह वाजसनेमी। इसकी व्याख्या देखते हैं। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयुग कहते कहा जाता है। यजुर्वेद को दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं कर्ण और मध्यन्न है। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं काठक, कष्टी, कपिष्ठल, मेत्ताइडी और तैत्तिरीय संहिता। अब अगला हमारा क्वेश्चन चौथा, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये ऑप्शन है खारवेल। कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। उल्लेखनीय है कि हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 4 से 5 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सूची को सूची तो से सम्मिलित करना है। ठीक है, दक्षिण भारत के समुद्र गुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, हम लोग इसकी व्याख्या डायरेक्ट देख लेते हैं। धनंजय, एक कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पलक्का और विष्णुगुप्पा यह कांची। तो याद रखिए, धनंजय, एक कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पलक्का, विष्णुगोपा कांची। सी ऑप्शन है इसमें सही। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र संघ द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी के किस लेख से मिलती है? तो सी ऑप्शन है अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग 185 से 199 ईस्वी पूर्व के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए। इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब है हमारा सातवां क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन, इसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी।
इसमें ये ऑप्शन सही है, कथन ए, कथन ए और तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण काफी सफल हुए। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबकतगीन था। सुबकतगीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महबूब गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। अब हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बता दें डी ऑप्शन इसमें सही है, सप्त पैगोडा, उसके बाद है महाबलीपुरम तटीय मंदिर, फिर पहला वेदी सुर मंदिर, है गंगकुंड चोलापुरम मंदिर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सत पेगोड़ा मामल्ल शैली से संबंधित है, 630 से 668 ईस्वी तक ये था मंदिर, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया इसे। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ये 700 से 728 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह भी बोला जाता था इसे। बेहदीसो मंदिर 1003 से 1010 ईस्वी तक, राजराज चोल द्वारा। गंगे कोंड चोलरम मंदिर है, चोलपुरम मंदिर 1025 राजेंद्र चोल ने बनवाया है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेश व्यापार से संबंधित थी, तो सी ऑप्शन है नाना देशी। दक्षिण भारत में विदेश व्यापार से संबंधित संस्थाओं को नाना देशी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। 10वां है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन अदीनामच मांडू में नहीं है, ठीक है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाजा है गौड़, तीन दरवाजा है अहमदाबाद में, इसकी व्याख्या देखते हैं। अदीना मस्जिद है पश्चिम बंगाल में, लाल दरवाजा मस्जिद है जौनपुर, दाखिल दरवाजा है गौड़ और तीन दरवाजा है अहमदाबाद। उल्लेखनीय है कि अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल का निर्माण बंगाल के शासक सिकंदर शाह के काल में 1360 ईस्वी के आसपास हुआ। 11वां क्वेश्चन, नीचे दो गए दो कथन दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। मध्य काल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभ में चिश्ती सूफी संत संगीत सभा और जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं, उपरोक्त दोनों कथन सही है किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। 969 ईस्वी में ईरान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर जन्मे अबू शाह ने खानकाहों में रंगीन सभाओं की शुरुआत की, जिसे सभा महफिल नाम दिया गया। इस प्रकार की सभा में संगीत, नृत्य, कविता, गीत, वादन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि खानकाह सूफी संतों का रहना रहने का स्थान होता था। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन बारंगल रामदेव से सम्मिलित नहीं है, देवगिरी शंकरदेव, होयसल बीस बल्लाल वल्लाल, मदुरा वीर वीर पंडा। देवगिरी है ये शंकर देव से संबंधित है, वारंगल है रुद्रदेव, होयसल है ये वीर वल्लाल, मदुरा है वीर पंडा, देवगिरी है रामचंद्र देव। शंकर देव राजा रामचंद्र देव का पुत्र था, जो 1310 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन रस खान रसिक प्रिया नहीं है, इसकी सही सम्मिलित करना है, इसका मतलब व्याख्या देख लेते हैं। ध्रुवदास भगत नावावली, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली।
14वां है हमारा, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में सरकारों और परगनों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे लेकिन यह सरकार के समानार्थी नहीं था। 15वां क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो डी ऑप्शन सही है, महम अनंग। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद का निर्माण महम अनंगा ने करवाया, 1561 में करवाया। महम अनंगा अकबर की संरक्षिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें बी ऑप्शन से जहांदार शाह 1712 से 13, मोहम्मद शाह ये 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड दूसरा है 1754 से 1759। अब 17वां क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था, तो चौथ भूमि कर के आंतरिक शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ थी, या पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 एक बटे 4 होती थी। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि सरदेशमुखी कर पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह प्रदेश की भूमि का कर का 1/10 या 10% भाग होता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। अब है अगला 18, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन, लखनऊ लियाकत अली से संबंधित नहीं है, संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह। संबलपुर है सुरेंद्र शाही, गंजाम है राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर है गुलाब सिंह, लखनऊ है बेगम हजरत महल, इलाहाबाद है लियाकत अली। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन है अहोम। संथाल है ये 1855, कोल है 1831, खासी है 1829, अहोम है 1828 ना कि 1815। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसकी व्याख्या डायरेक्ट देख लेते हैं। बुड़ का घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882, फेडरल आयोग 1919, सर्जेंट आयोग 1944। तो बोर्ड का घोषणा पत्र आया 1854, हंटर आयोग 1882, सेडलर आयोग 1919, सर्जेंट योजना 1944। इसमें डी ऑप्शन सही था, ठीक है याद रखिए। 21 है, नीचे दिए दो कथन दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो इसमें बी ऑप्शन सही, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। 30 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में भारत थे शामिल थे सर स्टेफर्ड किप्स, ए बी अलेक्जेंडर तथा पेथिक लॉरेंस। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के सभी अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में उसने स्वीकृति वापस ले ली तथा प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधा कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। 16 अगस्त 1946 को
लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की, तथागत ये सही है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। अतः कारण आर भी सही है, और परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं होता। 22वां, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो यह विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे थे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि वीरेंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। 23वां, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो ये ऑप्शन है लॉर्ड डफरिंग। 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आए। यह 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा। डफरिंग के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना। इसी का उपहास करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो बी ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, बी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर ऊंचाई पर कर्नाटक राज्य के वाराही नदी पर स्थित है, जबकि जोंग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित 255 मीटर ऊंचा है। इसे महात्मा गांधी या जोगसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महाना नदी पर चित्रकूट पहाड़ियों में अवस्थित है। 25वां, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो भी गुजरात, डी गुजरात की। भारत राज्यों के तटरेखा की लंबाई के अनुसार शीर्ष 4 राज्य हैं। गुजरात 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 960, केरल 569। ध्यातव्य है कि द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7515 किलोमीटर आता है। स्पष्ट है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत के 9 तटीय राज्य राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो सी ऑप्शन है प्लेस्टोसीन अभिनव जमाव। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार 27 है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्तान नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी में से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रभावित हित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, जबकि गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्पष्ट है कि ताप्ती नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती। 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये राज्य सबसे ऊंची चोटी है, इसकी व्याख्या डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन जैसे सी ऑप्शन सही है, केरल में अनाईमुडी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में डोडा बेटा। एक पूछे जाते हैं, वैसे याद रखिए, केरल है अनाईमुडी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में डोडा बेटा। 29 है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक यह कथन संबंधित है? तो
ये ऑप्शन है थार थ्वेट। कथन वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, थार थ्वेट ने इसे जल संसाधन संभाव्यता पर विचार करते हुए कहा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कथन गलत है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगू कहा जाता है, ये सही है। मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी को रेंगो मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जिसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इस मिट्टी के नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। 31वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो यह एडेफिक, एडेफिक मिट्टी से संबंधित एक विशेषता है। क्लाइमेटिक मौसम या जलवायु से संबंधित है। बायोटिक, बायोटिक जैविक घटक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ग्रह विज्ञान की शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। 32 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी ऑप्शन केरल। भारत में इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल के अल फजार काली और काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन इडुक्की जिले में होता है। 33 पाया, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। तो डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय संगठन। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार माध्यमों के विकास पर आधारित है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। सड़कों की लंबाई के क्रम में भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। 35वां, निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान है? तो अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण विशेषता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक। 36वां है हमारा, निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन गिब्सन, ब्राजील से संबंधित। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ये मरुस्थल है और ये देश है। सोनोरन इस संयुक्त राज्य अमेरिका। तकला मकन चीन में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 37वां, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे का आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो डी ऑप्शन है मिसी सीपी। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसी सीपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 37-30 किलोमीटर है, यानी कि इतास्का नामक झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो सी ऑप्शन है चिली। विश्व में सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन चिली करता है। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य लंबाई में स्थित एक छोटा देश है। देश की सीमा प्रशांत महासागर से लगती है, जिससे से आयोडीन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। 39वां, निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके कॉफी उत्पादन 2016 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इस पर व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसमें आंसर है वैसे भी बस 2016 के आंकड़ों के अनुसार कॉफी उत्पादन में देश के का अवरोही क्रम है ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। 40वां क्वेश्चन, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो बी ऑप्शन है 7,000 किलोमीटर। स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत के मुंबई और यूरोप के लिवरपूल की दूरी 7,250 किलोमीटर कम हो गई। अतः इसका नजदीकी उत्तर विकल्प बी है, मतलब 700
7250 के करीब, 7000 है ना, इसलिए उल्लेखनीय है कि सूर्य नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को समृद्ध करने वाली एक नहर है। सन 1849 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। 41वां क्वेश्चन, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो डी ऑप्शन सही है, ए और बी, मतलब अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। व्याख्या देखते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर एक वर्ष में अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर के अंतर में ज्ञात ज्ञात किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को कहते हैं। अब 42, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो हरियाणा, बी ऑप्शन सही है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए राज्यों में हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 879 है, यह भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, जबकि हरियाणा राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, अतः विकल्प डी सही है। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों के लिंग अनुपात देख लेते हैं, मध्य प्रदेश 931, महाराष्ट्र 929, पश्चिम बंगाल 950। 43वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो है श्रावस्ती। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती था। उपयुक्त विकल्प में दिए गए जिलों की महिला साक्षरता दर निम्नलिखित है, श्रावस्ती की 34.8%, बलरामपुर की है 38.43%, बहराइच की है 39.2%, रामपुर की है 44.45%। अब 44वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो यह हरियाणा। जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात हरियाणा राज्य का है। हरियाणा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात क्रमशः 835 एवं 832 है। 45 है, 45वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15,53,00,000 है। अब 45वां हो गए, 46। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो यह है 55%। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरों में तथा 45 ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 47वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? तो ये ऑप्शन, मतलब समानता पहले, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक राज्य बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च सी शुल्क सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म प्रफित करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, 2 समानताएं, प्रतिष्ठा, अवसर, भ्रातृत्व, बंधुत्व की।
अभय 48, सर्वप्रथम संसादात्मक सरकार केंद्र किस देश में आरंभ की गई? तो यह ए ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जननी कहा जाता है। 49, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है? सी ऑप्शन 24 जनवरी 1950। इसकी व्याख्या है, भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट में 1940 में प्रस्तावों के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया। संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वीं अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। इस अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 50वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो बी ऑप्शन है भाग 2। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। विकल्प में दिए गए अन्य भागों से संबंधित प्रावधान, भाग 1 संघ और उसका रजिस्ट्रेशन, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज, और भाग 9 में पंचायत। 51वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, मतलब समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को संदर्भित ऐसे निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत है। ये तत्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं जो भारत के शासन का आधार है। भारत का संविधान भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य रखता है। ये निर्देशक तत्व वस्तुतः उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना है तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व समाजवाद, गांधीवाद और व्यक्तिवाद का सृजन करते हैं। निर्देशक तत्व कोई संविधानिक अधिकार नहीं है, अतः किसी न्यायालय द्वारा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्रियान्वित। अब अपना 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे संबंध में राज्य अनन्य अधिकार है राज्यसभा के पास? सी ऑप्शन, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा में राज्यपाल ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। यह राज्यसभा का अन्य अधिकार है, जबकि शेष कार्यवाही संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा किए जा सकते। 53वां क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो बी ऑप्शन है 60 दिन होता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 7 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन स्थगन या सत्तावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता।
देखिए अपन चौंगल का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता? तो डी ऑप्शन है विधान परिषद। संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था की गई। संसद एक विधान परिषद को यदि यह पहले से है तो विघटित कर सकती है, और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकती है। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल संख्या के बहुमत अथवा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया है। 55वां क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20, बी ऑप्शन से। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है हो सकती है, जिसमें 530 अनधिक सदस्यों राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। वर्तमान में 543 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं, 530 निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के, जबकि शेष 13 निर्वाचित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से, मतलब 543 कुल 545 है, जिसमें से 2 को राष्ट्रपति चुनता है। 543 का चुनाव होता है 530 राज्यों से, और 13 है निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से। 56वां, निम्नलिखित में कौन सा भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो ये था आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन से। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसमें अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पुट्टी सी रमलू का निधन हो गया। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 57 क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये डी ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंध। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग को गठन किया गया। इसमें बी सेवरावन रामन, एम आर सेन, 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 247 सिफारिश है अक्टूबर 1987 में पेश की। उसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। 58 क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो सी ऑप्शन है पीएन भगवती। पीआईएल का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में मद्द हुई। न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी एन भगवती पीआईएल की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। इसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984 बाद में देखा गया। जनहित याचिका के तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्याय उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। अब 59, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है? तो ये ऑप्शन सही है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसद के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इन व्यवस्था में कुछ इस प्रकार, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, राजभाषा आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान, 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो सी ऑप्शन है स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार के करारोपण की शक्ति सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 61वां, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया?
तो यह यूएनडीपी। ठीक है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य शिक्षा जीवन के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला यूएनडीपी का सूचकांक है, जिसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 1990 में यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया, जिसका श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और एंगे कोल को जाता है। अगला 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसमें मनरेगा है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में से किया था। यह भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्त द्वारा मापा जाता है? तो ए ऑप्शन है आय की, डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन है आय की विषमता। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्त लॉरेंज वक्त है। इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत वितरण को संचयी रूप में शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रखकर ज्ञात किया जा सकता है। 64वां क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो डी ऑप्शन है हाशिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर एस आर हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया था। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो डी ऑप्शन है योजना आयोग, लेकिन अब नीति आयोग करता है। नीति आयोग योजना आयोग पूर्व में द्वारा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, और नीति आयोग के त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडे में सभी आयामों में गरीबी के निवारण की बात की गई है। अगली बात करते हैं, 66वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजना में किसका मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं डी ऑप्शन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, 10वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र एवं समावेशी विकास से संबंधित थी। 67वां क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, आयकर, इनकम टैक्स। आयकर वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर लेती है। आयकर सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या कर वापसी के लिए पात्र है। आयकर एक का प्रत्यक्ष कर है, जबकि विक्री कर, सेवा कर, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। अब 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेल्म रोंटगेन द्वारा किया गया? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, एक्सरे मशीन। एक्सरे की खोज सर्वप्रथम विल्हेल्म रोंटगेन द्वारा 1895 में की गई, परंतु इसके बाद 1896 में एच एल स्मिथ ने एक्सरे मशीन निर्मित कर उसे औपचारिक रूप से पेश किया। रेडियो की खोज 1890 ईस्वी में इटालियन विज्ञानी जे जी मार्कोनी ने की थी, जबकि बिजली के बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो डी ऑप्शन है एक्सकिरण। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें भी होती हैं, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा वे तरंगें निर्वात में संचालित हो सकती हैं। इन्हें यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, जैसे विकास तरंगे, एक्स तरंगे आदि। इन तरंगों की चाल विकास के चाल के बराबर होती है। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर 10 की पावर -10 मीटर से लेकर 10 की पावर -10
8 मीटर तक होता है। विकल्प दिए गए विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है। एक्स किरण है, रोंटजन खोज की है इसकी, रोंजन ने, और इनकी तरंग दैर्ध्य परिसर है 10^-10 से 10^-8 एम तक। और इन आवृत्ति है इनकी, आवृत्ति है इनकी परिसर में 10^18 से 10^16 तक। इनका उपयोग किया जाता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। फिर अपनी पराबैंगनी किरण है, इसकी खोज की है रिटर, इसकी तरंग दैर्ध्य है 10^-8 से 10^-7 तक मीटर तक। इसकी आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति है इसकी 10^16 से 10^14 तक। इनका उपयोग सिकाई करने, विकास विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। फिर है अपनी दृश्य विकिरण, न्यूटन ने खोज की इसकी। वो आपको बता दें तरंग दैर्ध्य इनका 3.9 × 10^-7 एम से 7.8 × 10^-7 एम। इनका आवृत्ति की बात करें तो 10^14 से 10^12 तक। इससे हम वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अवरक्त किरण है, हंसेल ने खोज की इसकी। तरंग दैर्ध्य 7.8 × 10^-7 एम से मीटर से 10^3 मीटर तक। इनका आवृत्ति की बात करें तो 10^12 से 10^10 तक। ऊष्मीय विकिरण में, कोहरे में, फोटोग्राफी करने में, टीवी की रिमोट कंट्रोल में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि यह किरणों की विद्युत ऊर्जा अधिकतम होती है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो ये ऑप्शन सही है, सिलिकॉन। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, नेलेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पदार्थों के विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने में घटती है। 71वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो इसमें 20 dB सही है, बी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल स्तर को प्रदर्शित करती है। कुछ अन्य ध्वनि स्रोत, ध्वनि स्तर निम्न है। फुसफुसाहट 30 dB, कमरे शांत कार्यालय की ध्वनि 40 dB, सामान्य बातचीत के समय 60 dB, जेट इंजन की आवाज 120 dB और रॉकेट की इंजन की बात करें तो 180 dB। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो बी ऑप्शन सही है, प्रकाश। उपयुक्त किरणों में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 73वां, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो याद रखिए इस बात में, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक और द्रवों में उससे कम तथा गैसों में सबसे कम होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। द्रव गैस प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है, जबकि ठोस में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण करती है। 75वां, मैथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो सी ऑप्शन सही है, इसमें ए और बी, मतलब केवल धान के क्षेत्रों से, केवल दीमक की बाम्बी से। मैथेन गैस का वैश्विक तापमान में 20% का योगदान। मैथेन अपूर्ण अपघटन के उत्पाद है एवं अनोक्सी दिशाओं में मैथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती। दीमक सेल्यूलोज का पाचन करते हैं वो एवं इन क्रम में मैथेन का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त मैथेन का उत्सर्जन धान के खेतों में होता है, जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खननों में आदि में होता है। ठीक है, 75वां, हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि, ये ऑप्शन सही है। ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक ताप या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस उपग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप में
वृद्धि करने में मदद करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो डी ऑप्शन है मेथेन। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। प्राकृतिक गैस में मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि गैस शामिल है जिसमें मैथेन की भागीदारी 80 से 90% है। मैथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसे मार्श गैस भी कहते हैं। 77वां है, ग्रेफीन होता है तो बी ऑप्शन कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, यह कार्बन का द्वि आयामी रूप है जिसमें षटकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की एक परत होती है। ग्रेफीन की खोज आंद्रे जिम और कॉन्स टोनिनोवो सेलोव ने की थी। 78वां क्वेश्चन है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले कौन सा शक्तिशाली तेज होता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, मतलब अपना इसमें है पैरा पैराक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले वाला शक्तिशाली उत्तेजक उत्तेजक पेरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट। यह प्रकाश एवं रासायनिक धूम में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। पर्यावरण में नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु O2 से क्रिया करके ओजोन बना लेती है। तत्पश्चात O3 पत्तियों के खुले रंध्रों द्वारा मेसोफिल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक पर ऑक्सी मूलक जैसे O2-OH-O-OH2- आदि का निर्माण करता है। पर ऑक्सी मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेता है अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर परोक्सिटिक नाइट्रेट का निर्माण करता है। 79वां है, डीएनए एक द्वि कुंडलिनी संरचना इसके द्वारा की गई, तो बी ऑप्शन है वाटसन एंड किर्क। वाटसन एवं किर्क ने वर्ष 1853 में डीएनए की द्वि कुंडलिनी संरचना को प्रतिपादित किया जिसके लिए उन्हें हर वर्ष इन्हें वर्ष 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हर गोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे। 80 की बात करें, 80वां क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो उपयोग घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बता दें इनका उद्भिगा से विकार हुआ कवक, कवच वाले जीव, फिर कीट, फिर सरीसृप, स्तनधारी। मतलब इसमें सी ऑप्शन सही है, पहले 3 मतलब कवच वाले जीव, फिर है 2 पहला कीट, फिर है पहला पहला सरीसृप, फिर है पहला स्तनधारी। 83वां 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, आंवला। उपरोक्त विकल्पों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ताजे आंवले में संतरे से ज्यादा विटामिन सी उपलब्ध होती है। विटामिन सी के स्रोत सभी खट्टे रसदार फल जैसे करौंदा, नींबू, अमरूद, मौसमी आदि इत्यादि है। विटामिन सी को स्कर्विक एसिड के नाम से जाना जाता है। 82वां, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वैसे डी ऑप्शन है और जोन परत ट्रोपोस्फियर नहीं है, बाकी तीनों सही है। रेनेटिंग रेनेटिंग पनीर, जेब प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत है, स्ट्रेटोस्फीयर, समता मंडल। 83वां क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? तो डी ऑप्शन है अंगूर की। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा अंगूर की प्रजातियां हैं। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो डी ऑप्शन है मोती। रेशम, शहद और लार्क कीटों प्राप्त किया जाता है जबकि मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा
किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा संकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप करके बनाया जाता है। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों की उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं 2 मिनट। इसमें वैसे डी ऑप्शन सही है, लेकिन कलकत्ता है जो, इसकी स्थापना 1875 में, शिमला है 1905 में, पुणे है 1928 में, नई दिल्ली है 1944 में। 86वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। ये ऑप्शन है मंगल, मार्स। दिए गए विकल्पों में से केवल मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है। वैज्ञानिकों को मंगल पर जीवन और जल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनका मानना है कि पहले इस ग्रह पर जीवन था, लेकिन ज्वालामुखी या भारी उल्कापात के चलते यहाँ से जीवन नष्ट हो गया। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फोबोस और डोमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह उपग्रह है। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो डी ऑप्शन फसली भूमि। पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीवन जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवों कहलाते हैं। फसली भूमि को कृत्रिम मानव जनित जीवों का उदाहरण माना जाता है, जबकि शेष प्राकृतिक जीवों के उदाहरण है। 88वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरिन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो बी ऑप्शन सही है इसमें, जामनगर। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरिन बायोडायवर्सिटी डायवर्सिटी जामनगर में स्थित है। यह केंद्रीय केंद्र तटीय क्षेत्रों का जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। 89वां क्वेश्चन है, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो आपको हंगुल कश्मीरी स्टेट, डी ऑप्शन सही है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। यह उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टेक के निवास के तौर पर जाना माना जाता है। इस उद्यान में हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार नम पर्णपाती वृक्ष और झाड़ियां देवदार चीड़ और साहिव बलूत इत्यादि पाए जाते हैं। 90वां क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन है 22 मई। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर छिपाए जाने वाले जीवों की विविधता से। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन द्वारा 1985 में किया गया। जैव विविधता के मुद्दों के प्रचार प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है। 91वां क्वेश्चन, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसके बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है, केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल वर्षों की। डी ऑप्शन इसका सही है आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। जो मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु पृथ्वी रूप में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इनमें बढ़ता समुद्र स्तर, प्रचंड तूफान, बर्फ एवं में कमी, वर्षा हिम पैटर्न में बदलाव, चक्रवात वर्नर आदि की बारंबारता एवं प्रचंडता बढ़ रही है। 92वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सौवासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो बी ऑप्शन है इसमें, वैसे वनस्पतिक बाघ, बी ऑप्शन है इसमें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्व स्थानिक संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। स्व स्थानिक संरक्षण विधि के द्वारा एक विशिष्ट क्षेत्र में एक साथ कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। स्व स्थानिक संरक्षण के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित जैव मंडल, पवित्र वन आदि का निर्माण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वनस्पति बाग आदि बाह्य स्थानिक संरक्षण का उदाहरण ना कि सौ स्थानिक संरक्षण का है। 93वां क्वेश्चन है, सूर्य के विकास से परावैगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में क्या पैदा करती है। तो सी ऑप्शन है ओजोन। ऑक्सीजन अणुओं के सौर विकास की परावैगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि समताप मंडल में
इसी विक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है, ये उड़ीसा में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं सब लोग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिए। 95वां क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो वैसे इसमें सी ऑप्शन सही है, संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास मानव विकास की वह क्रिया है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, साथ ही भी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके न्यूनतम उपयोग पर बल दिया जाता है। 96वां क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? तो ए ऑप्शन है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन, इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तत्कालिक रूप से यह अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। 97वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है? तो ये ऑप्शन सही है, स्मॉग। वायु जब गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को फैलाती है तो द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे ओजोन, PAN, स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। 98वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र में किसके में प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो बी ऑप्शन सही है, इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रजातीय विविधता सर्वाधिक है। 99वां क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 आयोजित हुआ था? तो बी ऑप्शन है पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 का आयोजन 30 नवंबर से 12 नवंबर 2015 के बीच मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन की सभी पक्षों की बैठक का 21वां संस्करण वार्षिक सत्र था। 100वां क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में इस कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्वाह युग विकास के भारत के दृष्टिकोण उन कदमों को शामिल किया गया था जो इसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक थे। 101वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये ऑप्शन सही है, सागरीय। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों को माना जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वस्तुतः पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनती है, एक अवधारणा है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घट संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया, स्वपोषित संगठक, परपोषित संगठक। 102वां क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन सही है, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है, इसमें पशुओं के मृत शरीर को भी जलाने की व्यवस्था है। इंसिनरेटर्स का शाब्दिक अर्थ होता है जलाना। इसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तथा कूड़ा घरों से जोड़कर लगाया जाता है। 103वां क्वेश्चन, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डी ऑप्शन सही है, डेक्लोफेनेक। डी ऑप्शन सही है।
डेक्लोफेनेक एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग पशुओं और मनुष्यों के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। डेक्लोफेनेक सोडियम दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है तो उसे मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के प्रभाव से वर्तमान में लगभग 97% गिद्ध प्रजाति विलुप्त हो गई है। 104वां है, निम्नलिखित में देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? तो ये ऑप्शन है चीन। बस 2015 में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में चीन पहले स्थान पर था जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर। 105वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है उत्पन्न करता है? तो बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। ऊर्जा हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आती है, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर, पवन एवं जैव ऊर्जा शामिल है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की उपलब्धता सीमित है, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं वे हैं जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है और एक निश्चित सीमा तक, एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उनका उत्पादन किया जा सकता है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध है एवं सबसे अधिक विश्वसनीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न होगा। चलिए 106वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो बी ऑप्शन बस्ती से। लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक 354 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजीपुर, अमेठी, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, मऊ, अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर से गुजरेगा। याद रखिए तो लखनऊ, गाजीपुर, अमेठी, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, मऊ, अम्बेडकर नदी नगर और सुल्तानपुर से गुजरेगा, बस्ती से नहीं। 107वां क्वेश्चन, 14 से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो ए ऑप्शन है 32। 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में कुल 32 देशों ने भाग लिया। 15 जुलाई 2018 को मॉस्को के लुजियो की स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया था। 108वां है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की है? तो सी ऑप्शन नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को नेपाल में रामायण सर्किट की शुरुआत की है। उल्लेखनीय है केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा रामायण और श्री राम से जुड़े स्थलों के विकास हेतु एक कार्य योजना निर्मित की गई है जिसे रामायण सर्किट कहा जाता है। इसके अंतर्गत देश के कुल 15 स्थलों को चिन्हित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, चित्रकूट, सिंगवेरपुर, बिहार में सीतामढ़ी, अक्सर दरभंगा, मध्य प्रदेश में चित्रकूट, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम, ओडिशा में महेंद्र गिरी, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, तेलंगाना में भद्रा चलम, तमिलनाडु में रामेश्वरम, कर्नाटक में हम्पी और महाराष्ट्र में नासिक और नागपुर। 109वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो सी ऑप्शन है 96। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का 96वां स्थान है। उल्लेखनीय इस सूची में डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य के अनुसार पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। डेनमार्क पहले पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, कोरिया गणराज्य तीसरे पे। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 के नीफा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा? केरल। बी ऑप्शन सही है। मई जून 2018 में केरल राज्य नीफा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण काफी चर्चा में रहा। उल्लेखनीय है कि भारत में नीफा वायरस एक उभरती हुई संक्रामक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। यह वायरस संक्रमित चमगादड़, सुगर और अन्य संक्रमित लोगों के संपर्क में से फैलता है। नीफा वायरस का पहला मामला सबसे पहले नीपा गांव मलेशिया में 1898 से 99 में विकासित में आया था। 111वां, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो सी ऑप्शन है दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 जून 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय
पठन पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है, जिसका लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संस्थान उपलब्ध कराना है। इसे IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया। 112 वा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 136। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 6 जून 2018 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में शामिल हुए 163 देशों में भारत 136वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक के अनुसार आइसलैंड सबसे शांति प्रिय देश है, जबकि सीरिया विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। 113वां क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह वाराणसी, ठीक है, बी ए ऑप्शन सही। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वर्ष 2019 में जनवरी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ करेंगे। उल्लेखनीय है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विदेश में जाकर भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 114 है, 4 जुलाई 2018 को धान की प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 के दौरान था, तो सी ऑप्शन है 1750। केंद्र सरकार ने फसलों की बढ़ती लागत और गिरते दामों से परेशान किसानों को राहत देते हुए 4 जुलाई 2018 को धान सहित खरीफ की 14 फसलों को के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 से 1800 प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की है। इसे किसानों की उपज की लागत का 1.5 गुना देने के बाद को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान के MSP को 200 बढ़ाकर 1750 प्रति क्विंटल कर दिया, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। 115वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता है, वो प्रधानमंत्री बना है? तो बी ऑप्शन है इमरान खान। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पाकिस्तान राष्ट्रपति भवन ईवान ए शब्द में तत्कालीन राष्ट्रपति ममनून हुसैन द्वारा उन्हें पद की एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व इमरान खान को पाकिस्तान की संसद में 17 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। उल्लेखनीय है कि इमरान खान का संबंधित पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से है। 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने वर्ष 2018 के मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार जीता है? तो सी ऑप्शन है AV मतलब भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमंड मैग्सेस पुरस्कार 2018 की घोषणा 26 जुलाई 2018 को मनीला में की गई। वर्ष 2018 यह पुरस्कार भारत के सोनम वांगचुक को भारत वाटवानी से 6 लोगों को देने की घोषणा की गई। इन्हें यह पुरस्कार 31 अगस्त को मनीला में प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक से ने शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण के जरिए सामुदायिक प्रगति के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। सोनम लद्दाख के अभियंता, आविष्कारक और शिक्षा सुधारवादी भारतीय बाटवानी को भारत बाटवानी को हजारों मानसिक रोगों से बीमार रूप से बीमार और गरीब लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के नेक कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया। इन्होंने जनसेवा के लिए वर्ष 1989 में श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन की स्थापना की थी। अगला है हमारा 10वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में किसमें आयोजित किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, बी ऑप्शन सही है। ब्रिक्स देशों के 10वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई 2018 के बीच किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था चौथी औद्योगिक क्रांति में विकासशील देशों का समावेशी विकास और साझा समृद्धि। उल्लेखनीय है कि 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 ब्राजील में प्रस्तावित है। 118वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो बी ऑप्शन है 2.4। कुल प्रजनन दर बच्चों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2 इंटू
2.33 है, 119वां क्वेश्चन है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो सी ऑप्शन सही है, 21.54। 15वीं भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण 70.83 मिलियन हेक्टर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण 80.21 मिलियन हेक्टर है, जो किसी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है। 120वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो सी ऑप्शन है, स्टेटोस्फीयर में। पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए आवश्यक आवरण का कार्य करती है। उल्लेखनीय है, ओजोन का 10% भाग जो मंडल एवं 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका संकेंद्रण मुख्य रूप से 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। 121वां हमारा क्वेश्चन है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही है, भारतीय दंड संहिता की धारा 370। देश की सर्वोच्च अदालत ने 6 दिसंबर 2018 को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि धारा 370 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई थी। 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अंतिम फैसला दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि जो भी जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आत्म अभिव्यक्ति से इनकार करना मौत को आमंत्रित करना। 122वां क्वेश्चन है, एंडेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो सी ऑप्शन सही है, मेक्सिको। एंडेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जिन्हें अक्सर AMLO के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक मैक्सिकन राजनेता है और जुलाई 2018 में हुए चुनावों में मैक्सिको के राष्ट्रपति चुने गए। इनका संबंध संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी से, PRI से। अब 123वां क्वेश्चन, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 साल की जेल की सजा हुई? तो यह पाकिस्तान, सी ऑप्शन सही। पनामा पेपर्स भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहां की एक एहतियाब जवाबदेही अदालत ने 6 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में से एक में 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। 80 लाख पौंड का जुर्माना लगाया। 124वां, जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए? तो यह असम। 30 जुलाई 2018 को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम मसौदा जारी किया गया। अंतिम मसौदे में कुल 3,29,91,984 आवेदकों में से 2,89,84,677 लोगों को ही भारतीय नागरिक तक योग्य पाया गया, जबकि 40,07,707 आवेदकों के नाम NRC में शामिल नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि असम इकलौता राज्य जहां NRC की व्यवस्था है, और वहां वर्ष 1951 के बाद NRC में पहली बार संशोधन किया जा रहा है। पहला NRC वर्ष 1991 में जारी हुआ था।
जो असम के निवासी होने का प्रमाण पत्र है। 125वां क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो सी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 जुलाई 2018 को दिल्ली के चांदनी चौक में एक आधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है। यह प्रणाली भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित की गई और इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिचालित किया जा गया। 126वां है हमारा। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर लगा चला है? तो यह मंगल ग्रह पर। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगल पर एक विशाल भूमिगत झील का पता चला है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्टिन बर्फ की एक परत के नीचे स्थित झील लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 127वां। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की? तो यह सिंगापुर में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उनके बीच कई महीनों के कूटनीतिक उठापटक के बाद 12 जून 2018 को सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर कपेला सिंगापुर होटल में केवल दुभाषिकों की उपस्थिति में ऐतिहासिक वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता के बीच यह इस प्रकार की पहली वार्ता है। दोनों देशों के नेताओं ने लगभग 70 वर्ष में पहली बार संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। 128वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई? तो बी ऑप्शन है गोमती। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा कहा गया जबकि यमुना नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। 129वां क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? तो ये ऑप्शन है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। उल्लेखनीय है कि भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। 130वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? तो सी ऑप्शन है इसमें गाजियाबाद। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 13 शहरों को चुना गया है जो निम्न है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर। अतः स्पष्ट है कि गाजियाबाद को इसमें शामिल नहीं किया गया। 131वां क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो आपको बता दें इसमें 1973 में हुई, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया। अभी तक भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। 132वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो डी ऑप्शन है कंगारू चूहा। विकल्प दिए गए सभी जानवर मरुस्थल में जीवित रहने के लिए अनुकूल है अर्थात बिना पानी पिए भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु इन सभी में उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का मूल निवासी कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि अपने पूरे जीवन काल तक जीवित रह सकता है। बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह शांति के क्षेत्र में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। इनकी नवीन उपयोगों ने अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत सहित अनेक विकासशील देशों में हरित क्रांति का परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें वर्ष 1970 में
शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति के लिए। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति के लिए। 134 बार। निम्नलिखित में किसे जीवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता? तो ये ऑप्शन है इसमें, ज्योतिष को, ठीक है। जेवी नार्लिकर प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक हैं, ब्रह्मांड के स्थित अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ, और फ्रेड हॉयल के साथ भौतिकी के गोयल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी। उनके अनुसार अभी तक ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना गया। 135 बार। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो इसमें मीरा कुमार, ये ऑप्शन सही है। 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमार तथा सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद थे। इस चुनाव में कोविंद को 522 सांसदों ने वोट किया। इस तरह उन्हें 7,02,044 वोट मिले। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले। इस प्रकार श्री कोविंद अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,34,730 मत मूल्यों के अंतर से हराकर भारत के प्रथम नागरिक के रूप में 14वें और पद क्रम के रूप में 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अगला 136वां हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ये ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार है। पनगड़िया 31 अगस्त 2017 को उपाध्यक्ष का पद छोड़कर अध्यापन हेतु अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी लौट गए। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात करें, चलिए 137 बार। निम्नलिखित में कौन एक संविधानित संस्था है? तो इसमें डी ऑप्शन नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर की गई। विकल्प में दिए गए अन्य संस्थान उल्लेख संविधान में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324। संघ लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। 138वां क्वेश्चन हमारा, डिंग एक्सप्रेस क्या है? तो बी ऑप्शन है हिमा दास का मूलमोला नाम। भारतीय धावक हिमा दास IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। हिमा ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। हिमा दास का उपनाम डिंग एक्सप्रेस। 139वां है, मैरी कॉम को हाल ही में निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो याद रखिए BSNL का। मैरी कॉम प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाजी है, ये भारत के मणिपुर राज्य में मैरी कॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रही हुई रह चुकी। मैरी कॉम को सितंबर 2018 में 2 वर्ष के लिए BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 140वां क्वेश्चन है, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये ऑप्शन है भारत और रूस का। सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। इस मिसाइल का 16 जुलाई 2018 तथा 21 मई 2018 को सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया। इस मिसाइल का जीवन काल स्वदेश तकनीकी से 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया। उल्लेखनीय है कि इस नई ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर, व्यास 670 मिमी, वजन 3 टन, इसकी भार वहन क्षमता 200 किलोग्राम है। 141वां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है?
तो आपको बता दें, तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपला तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। उपयुक्त प्रश्न में कोई भी विकल्प वेंकटेश्वर मंदिर की अवस्थिति स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि सेवरा सलेम जनपद या जवादी थेरुनमलई जनपद तमिलनाडु में है, तथा विली गिरिरंगा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में स्थित है। 142वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में किसमें कितनी गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो डेनमार्क में। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कितनी गाय दूध का औसत उत्पादन सऊदी अरब करता है, जबकि डेनमार्क विश्व में औसत वार्षिक उत्पादन में 5वें स्थान पर, परंतु विकल्प में सऊदी अरब के ना होने के से डेनमार्क सर्वाधिक पीती गाय दूध के औसत उत्पादन में प्रथम होगा। विकल्प के अनुसार डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और भारत। अब 143वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें 11 जुलाई को विश्व में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 144वां है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन है स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित। भारत द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी किया जा सकता है। इससे के मापन का अधिकार उत्तर जीविका जीविता प्रतिरक्षा पोषण और पाठशाला की शिक्षा है। अब 145, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो सी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। 1, 2, 4, 1, 2, 4 मतलब भारतीय आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, फिर भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, फिर मैंगो चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, तीसरा गलत है, भारत आपदा मुक्त देश है, ये गलत है, ठीक है। उपयुक्त प्रश्न हिंदी रूपांतरण के तीसरे कथन में वर्तनी अशुद्ध मुक्त के स्थान पर युक्त होने के कारण अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार सही विकल्प सी है। चलिए अब हम देखते हैं 146, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये है स्टीफन हॉकिंस द्वारा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग थे। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध विद्वानी, भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सिद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम्स हॉकिंस मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित थे। हाल ही में 14 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया। 147 भाग, आइंस्टाइन को निम्न में से किससे सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह भी विकास विद्युत के सिद्धांत के लिए। विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद सर आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता का सिद्धांत, ब्राउनिंग गति का सिद्धांत। चलिए अब 148, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो ये ऑप्शन है योजना आयोग। अशोक चंद्रा जो कि एक प्रमुख प्रशासनिक विश्लेषण है, कहते हैं कि योजना आयोग की अपरिभाषित पद स्थिति इसके विचारार्थ विषयों के बेहद क्षेत्र के कल्याण से आर्थिक मंत्री परिषद कहा जा सकता है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई थी। इस प्रकार योजना आयोग ना ही संवैधानिक और ना ही विधिक निकाय था। योजना आयोग के बारे में अन्य संविधान वेत्ता के संथानम ने कहा है कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एक एकल प्रणाली के तहत कार्य कर रहा है। 149वां क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है? तो डी ऑप्शन है संजय बाबू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक संजय वारू हैं। यह पुस्तक भारतीय नीति विश्लेषक संजय वारू का एक संस्मरण है। वे 2004 से अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित इस किताब में आरोप लगाया कि अपने कैबिनेट या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक मनमोहन सिंह के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि
कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास अत्यधिक शक्ति थी और मनमोहन सिंह उनके सहायक थे। लास्ट क्वेश्चन है 155वां, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो यह 1985 में। उपयुक्त प्रश्न के सभी विकल्प असत्य हैं क्योंकि महिला एवं बाल विकास को एक विभाग के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में स्थापित किया गया था, किंतु ये एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना 30 जनवरी 2006 को की गई थी। चलिए दोस्तों, तो आपको बता दें ये थे 2012 से लेकर 2018 तक के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर, जिसे हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है UPPCS के। अब 2019 का जो है उसे अगले बार देखेंगे। फिर